कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और सुनाएं आप सब, क्या हो रहा है आजकल? चले मैं आपको अपनी आज की रेसिपीज़ के बारे में बताती हूँ। मैं आज न्यूटेला बना रही हूँ। न्यूटेला जैसे आज के हम लोग देखते हैं मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्ट में जाता है। वो हम मतलब एक आम आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बेटे वो माशाल्लाह सारे ही शौकीन हैं न्यूटेला के। ये कि मतलब हर आजकल देखा जाए तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको न्यूटेला के बारे में बताना हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर पे हम बनाएं, ताकि वो घर की साफ़ सुथरी चीज़ें बगैर किसी केमिकल के, तो हम क्यों ना घर पे ट्राई करें। चले आज हम जूनीस किचन में इसको ट्राई करते हैं, बनाते हैं। उम्मीद है कि अच्छा बनेगा। ये इसके इंग्रीडियंट्स में हम चलते हैं। इंग्रीडियंट्स में इसके हम हेज़ल नट्स हैं। हेज़ल नट्स को मैंने फ्राई कर लिया। ये अभी टच करूँ तो हल्के से ये लिटिल बिल वॉर्म है। तो ये मैंने इनको जो है ना, मैंने एक पैन में, खाली पैन में, सिंपल खाली पैन में मैंने इनको हल्का सा सोते कर लिया है, फ्राई कर लिया है। ये जब तक अपना ऑयल आपको नज़र शाइन सी नज़र आ रही होगी, ये अपना ऑयल छोड़ रहा है, तो इसको हमने उतार दिया है। इसके अलावा हमने ये कैस्टर शुगर ली है। कैस्टर शुगर तकरीबन मैंने 2 चम्मच भर के ली है, टेबल स्पून आपको जितना पसंद है आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 टेबल स्पून ली है। 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, और ये 1 टेबल स्पून मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। वेजिटेबल आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप घर पे यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। लेट्स सी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने हेज़ल नट्स से इस फूड प्रोसेसर में डाल दिए। हेज़ल नट्स की मैंने आपकी क्वांटिटी नहीं बताई। मैंने इसको 120 ग्राम मैंने हेज़ल नट्स लिए हैं। चलिए इसको हम बंद करते हैं। चलिए इसको ऑन करते हैं हम। इसको हम तकरीबन 3 मिनट के लिए चलाएंगे कंटिन्यूसली, ताकि इसका पाउडर बिल्कुल पाउडर फॉर्म, वो न्यूट्रेला बिल्कुल पाउडर। कैस्टर शुगर ऐड कर रहे हैं, जो मैंने 2 टेबल स्पून भर के रखी हुई थी वो हम इसमें सारी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून हम वेजिटेबल ऑयल की डाल देंगे। इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। अच्छा जिसको हम खोलेंगे, चेक करेंगे, ये देखें ज़बरदस्त। अच्छा इसमें मैं एक और बात बताऊं कि मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल मज़ीद ऐड किया था, क्योंकि बहुत थिक हो गया था। 3-4 मैंने टेबलस्पून और ऐड किए थे, लेकिन ये कि वो मेरा मैंने इसका ज़्यादा था, फुल हो गया था। मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया। मैंने एक निकाल दिया और अब मैं दूसरे पार्ट में इसको कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा और करते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए जी, हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, कितना मज़े का लग रहा है। ये देखें, ये टेस्ट वाइज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैंने टेस्ट किया है। लेकिन ये बहुत गर्म है, इसको एकदम से हाथ मत लगाइएगा। ये चेक करें, ये चेक करें। चलिए मैं इसको डिश आउट करें, इसको डिश आउट कर लिया। ये देखें, इट्स वेरी यम्मी, मैंने टेस्ट किया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें, बहुत मज़े का बना है। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, घर पे ट्राई करें। मेरे पास न्यूट्रेला का जार लेकिन इसमें ऑलरेडी है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, ताकि काफ़ी दिन तक आपका चल सकें। ब्रेड पे लगा के खिलाएं, पराठे पे लगा के बच्चों को खिलाएं, दे विल रियली एंजॉय इट। मेरे चैनल जूनीस किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।